मजीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें वालेकुम व्यूवर्स वेलकम टू तो माय चैनल कुकिंग विद शाजमा नाज। आज मैं आपके साथ लजीजा रस मलाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद होती है चलें इसके इंग्रीडियंट्स नोट कर लेते हैं दूध मैंने वन लीटर लिया है खुला दूध मैंने इस्तेमाल किया है और एक रस मलाई का पैकेट लिया है और टू हंड्रेड ग्राम मैंने शुगर ली है फ़ोर टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है आप घी भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़े से मैंने यहाँ पे बादाम लिए हैं उन्हें क्रश कर लिया है पिस्ते लिए हैं उन्हें क्रश कर लिया एक अदद अंडा लिया है और दो अदद मैंने लिए हैं हरी इलायची और ज़ाफरान का थोड़े से मैंने तारे लिए हैं चले यहाँ अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं एक पैन में मैं पहले एक लीटर दूध ऐड करूँगी और साथ ही हम इसमें एक कप पानी ऐड कर देंगे जब तक हमारा इसमें एक कप से कम ना हो जाए यानी कि थिक ना हो जाए तब तक हम इसे पकाते रहेंगे साथ ही हमने इसमें 200 ग्राम जो हमने शुगर ली थी वो हमने ऐड कर दी है और इसको पकाते जाएंगे बॉयल आने तक छोड़ देंगे जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा ये देखें साइडों से हम मलाई उतारते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है और रस मलाई तो हर किसी को ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है और अब इसमें हम पिस्ते बादाम ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे साथ ही हम इसमें इलायची और ज़ाफ़रान एड कर देंगे ज़ाफ़रान ऑप्शनल है अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें वीडियो को लास्ट तक देखें अब इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको बॉयल आने देंगे ताकि हमारा जो दूध है वो अच्छे से थिक हो जाए मैंने खुला दूध यूज़ किया है आप डब्बे वाला दूध भी यूज़ कर सकते हैं और इसको हमने थिक करना है अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं रसमलाई का जो हमने पैकेट लिया है उसको हम एक बाउल में डालेंगे और पहले हम थ्री टेबल स्पून ऑयल डालेंगे ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं बाद में अगर नीड हो तो आप वन टेबल स्पून घी और भी ऐड कर सकते हैं मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ और अंडा हमने एक अदर लिया था लेकिन हम पहले इसमें हाफ़ ऐड करेंगे अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे हाफ़ अंडा हम इसमें ऐड करने लगे हैं इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे बाद में अगर हमें और नीड होगी तो हम बाकी का अंडा भी ऐड कर लेंगे लेकिन पहले आप इसमें आप अंडा ही ऐड कर लें अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से इसकी डो बना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मैं हाथ की मदद से इसकी डो बना लेती हूँ और बिल्कुल सॉफ्ट सी हमने इसकी डो बनानी है देखें अंडा हमारा हाफ ही हमें यूज़ करना पड़ा ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ा और बहुत ही सॉफ्ट सी आपने डो बनानी है अगर आप हार्ड बनाएंगे तो उसमें क्रैक वगैरह आने लग जाएंगे और आपकी जो रसमलाई है वो भी हार्ड सी बनेगी नरम सी नहीं होगी ये देखें कि बॉल पर कहीं भी क्रैक नहीं है इस तरह की हम सारी बना लेंगे और हैंड पर आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है तकरीबन थर्टी हमारी बॉल्स बनी है इसमें से एक पैकेट में से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे रसमलाई हम जाके कर परचेज़ करते हैं और टेस्ट बिल्कुल वैसा ही बिल्कुल आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा मैंने जो सारी बॉल्स बना ली थी अब वो दूध में मैं ऐड करूँगी देखें दूध भी हमारा अच्छा खासा थिक हो गया है जब ये हम दूध में ऐड कर देंगे तो ये आस्ता इनका साइज़ जो है आपने बॉल का छोटा ही बनाना है क्योंकि जब हम दूध में ऐड करेंगे ये खुद ही ऊपर आ जाएंगी और इनका साइज़ जो है वो डबल हो जाएगा एक साइड से पकते हुए तीन मिनट हो गए हैं अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे यानी कि टोटल हमने सिक्स मिनट इसे कुक करना है देखें साइज़ इतना इसका इंक्रीज़ हो गया डबल हो गया है और जैसे ही हमारे छः मिनट हो जाएंगे हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ ये देखें साइज़ इसका कितना बड़ा हो गया है अब हम इसे फ्रीज़ करते हैं ताकि ठंडी हो जाए ठंडी ठंडी खाने का मज़ा ही अलग है चलें जी ज़बरदस्ती लजीज़ा मलाई हमारी रेडी है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है आज की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फिर मिलूँगी न्यू वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखिएगा